हम अभी चलते हैं हड़प्पा लिपि के। जी तो हड़प्पा लिपि जो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण है, आप अभी भी उस पर देख हाँ, रहे सर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर सर्च रहे हैं, का अध्ययन आपका शुरू है, सिंधु घाटी हर डाउट को की आप क्लियर कर रहे हैं। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपके देखता हूँ या बहुत सारे लोगों ने भी सभ्यता कहा है। तो हड़प्पा अध्ययन मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के लिए कुछ नियमावली बनाई गई थी पहले, जी, बिल्कुल उसको दादा ने बहुत मेहनत के साथ पढ़ा है। जी, तो बराबर। पढ़ने के इसके नियम क्या है? तो पढ़ने के ऐसा है कि मैं थोड़ा सा और एक पार्श्वभूमि बताना चाहूंगा, है ना, कि हड़प्पा लिपि कैसी पढ़ी गई, है ना, ये किस पार्श्वभूमि। नियम के हाँ, अनुसार? अचानक तो नहीं पढ़ी गई, है ना, उसके लिए लॉजिक क्या है। तो जैसे पूर्व में हमने बताया कि कंगाली जी स्वयं गोंडी भाषिक थे, गोंडवाना के गंजू गोंडी भाषिक थे। तो उन्होंने गोंडी भाषा शब्द को एक भाग दो लिपिबद्ध किए। बाद में उन्होंने गुंडी कड़कड़ियान उंडे लंबे चौड़ी, ये हमारे ग्रंथालय में है, गुणवाना गुंडी पुस्तक टूल जो है, मतलब गुंडी ग्रंथ भंडार है, गुंडी व्याकरण तथा भाषा रचना, यानी गुंडी कड़कड़ियान उंडे लंबे चौड़ी, ये भी उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, ठीक है। बाद में उन्होंने मराठी से गुंडी में भी शब्दों को लिपिबद्ध किया और हिंदी से भी गुंडी में शब्दों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो एक दिन क्या होगा कि जैसे 1921 में जो एक्सकवेशन हुआ, मतलब रेल लाइन बिछाने का काम था, तो यहाँ पे ये हड़प्पा मोहन जोड़ो के मतलब उत्खनन आ गया, मतलब वो जो मोहरे आ गई, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने हाँ, कमेंट किया, हाँ कमेंट्स किया, पूरी दुनिया में चले गए, सबने अपने अपने मातृभाषा में पढ़ने की कोशिश की, हाँ, लेकिन वो सब असफल हो गए। तो कंगाली जी का बहुत गहरा से अध्ययन है गोंडी साहित्य, गोंडी भाषा, स्वर व्यंजन, है ना, और पारिकोपा लिंगु गुणी पुण्यम दर्शन भी उन्होंने लिख दिया था, ये मतलब हड़प्पन लिपि पढ़ने के पहले। मतलब जैसे हमारे सात सगा घटक प्रमुख है हमारे गुण समुदाय के, जैसे आप जो सप्तरंगी हमारा कोयापुनी में झुंडा है ना, तो उसमें सात सगा घटक प्रमुख है जो बाण के रूप में बताए हैं। एक बाण है जो जो आसमानी रंग है ना, उसमें एक बाण मिलेगा, उसके नीचे दो बाण, फिर तीन बाण, चार बाण, पांच बाण, छह बाण और सात बाण, लेकिन ये सात सगा घटक प्रमुख है और सप्त रिंग से निकला है वो, है ना, वो सफेद रंग जो है वो कोयापुनी झंडे वो भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, मेरे ख्याल से धार्मिक हाँ, है। तो कंगाली जी ने क्या किया कि जैसे वाल्टर ए फेयर सर्विस जो एक और कोल्डवेल है ना, गिरियसन, तो इनके कृतियों का परीक्षण किया, ग्रंथों का कृतियों का परीक्षण कि भई इन्होंने ऐसा लिखा है, मुझे जो जो जैसे जो गुंडी भाषा जो है ना, तो ये द्रविड़ पूर्व भाषा है, गोंडी प्रोटोडियन भाषा, ऐसा इन लोगों ने मार्क लिखा कि इन्होंने वाल्टर फेस सर्विस, न्यायमूर्ति रानडे और हमारे जो वेंकटेश अतराम जी है ना, गोंडी भाषा शास्त्री तर्कशास्त्री नागपुर विद्यापीठ के वो सीनेटर थे, इन्होंने गोंडी इज द मदर टंग ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। तो वह ये द्रविड़ पूर्व भाषा क्यों कहा गया है ना, गोंडी भाषा को द्रविड़ पूर्व भाषा क्यों कह गए हैं, इन भाषा शास्त्र ने ऐसा क्यों लिखा। तो क्या इनका संबंध, अगर गोंडी द्रविड़ पूर्व है, मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम और ये कन्नड़, इसकी मतलब ये गोंड परिवार की, गोंडी भाषा परिवार की ये द्रविड़ भाषा है, ऐसा तो हमारा कहना है ना। मतलब इसमें हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं कि गोंडी भाषा परिवार की ये द्रविड़ भाषा है, मतलब जैसे गोंडी अगर माँ है, गोंडी भाषा अगर माँ है, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ये उसकी बिटिया है, यानी गोंडी से यह उत्पन्न हुई। हाँ हाँ, उसमें भी काउंटिंग वैसा ही है, उंदी, रण, मून, नालू, उस तरह वैसे, जैसे तेलुगु भाषा में कन्नड़ भाषा तो बहुत ही गोंडी के बहुत करीब है, सिमिलर है बिल्कुल, मतलब 90% वर्ड कन्नड़ में आते हैं, मतलब तल्ला बोले तो ये सिर, हाँ कन बोले तो ये कन्नड़ भाषा में भी, कह बोले तो हाथ, काल बोले तो पैर, हाँ और ये मतलब बहुत ही उसमें 90% गोंडी शब्द आते हैं, ठीक है। तो फिर कंगाली जी ने फिर इनका कृतियों का निरीक्षण किया, बिल्कुल पहले हाँ, भाषाओं का निरीक्षण किया, भारत संघ भाषा का निरीक्षण किया, पढ़ा और फिर कहीं जो
हड़प्पन जो परिक्षेत्र में जो उत्पन्न हुआ था और वहाँ पिक्टोग्राफ मिले थे और वहाँ सील पर अंकित चित्राक्षर को उन्होंने गोंडी भाषा के मूल धातु से पढ़ लिया उसको, मतलब रूट मार्फेम जैसे अपन कहते हैं ना अंग्रेजी में, गोंडी भाषा के रूट मार्फेम के द्वारा हड़प्पन लिपि को पढ़ लिया और संसार की भाषा शास्त्रियों को खोजकर्ता को एक नई दिशा प्रदान की। और मैं जैसे अभी थोड़े देर के बाद आपको विश्लेषण करूंगा कि गोंडी भाषा के रूट मार्फम से मतलब गोंडी ये हड़प्पन चित्राक्षर कैसे पढ़ी थी, जैसे मैं अभी बाद में तो आएंगे ये प्रैक्टिकल बताएंगे हम। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि उर्दू जैसे राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और पढ़ी जाती है तो गोंडी में भी वैसा कुछ हमें नजर आया, तो ये सिमिलर कैसे हुआ या पहले क्या हुआ और आपने कैसे पढ़ा इसको थोड़ा? तो इसमें जो उर्दू जो बात करें आप, उर्दू भाषा भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और लिखी पढ़ी जाती है राइट, और बाद में खरोष्ठी जो भाषा है खरोष्ठी भी राइट टू, हाँ खरोष्ठी भी राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाती है। तो इसके पीछे एक ऐसा आधार है कि जैसे ये गोंड समुदाय है, मतलब ये गण समुदाय ये जो जैसे है संताल है बाद में जैसे आपको जब भी बताया ये सब जो एकांत गण है गण समुदाय उसमें गोंड प्रमुख है, तो इनमें एक ये प्रकृति का नियमों का ये परिपालन करते हैं। जैसे हमारी जैसे धरती है जिसको गोंडी भाषा में गोंडोदाई कहते हैं धरती को, तो और पोखड़ी पोतू यानी सूरज है, तो ये धरती जो है ना तो एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्वेशन होता है उसका राइट टू लेफ्ट, ठीक है वो एक है। बाद में जैसे हमारे गोंड समुदाय में भोजन पंक्ति जब बैठी है ना तो जो परोसो जाने की जो प्रक्रिया है तो राइट टू लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट टू राइट नहीं है, रेला नृत्य वगैरह राइट टू लेफ्ट ही, हाँ। और जैसे तुम्हारा मर्मिंग पोल है मतलब मैरिज पोल है, मतलब जो मुंडा होता है शादी का, तो उस कि जो भावर लगते जो है दूल्हा दुल्हन वो राइट टू लेफ्ट ही लगते हैं। और मेरे ख्याल से जो पेड़ पे लता वेली जो चढ़ती है हाँ, वो राइट टू लेफ्ट ही राइट टू लेफ्ट चढ़ते हैं जो सूखने के बाद देखने का आप हाँ, तो वो आपको और उसको अगर पानी में डुबाया मतलब एक जो वेली का एक थोड़ा सा लकड़ी टाइप जो होता है ना उसका स्टेम जो होता है ना ऐसा ऐसा उसको फिर पानी में डुबाना तो फिर वो बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो ये घूमता है वो ये है सर्कस का घोड़ा है जो दिशा है तो हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, ये भी उसका आधार है हड़प्पन चित्रलिपि। हड़प्पन चित्रलिपि में कुछ मानव चित्राकृति भी हमें नजर आई है तो कुछ पशु प्राणियों की भी नजर आई है, जैसे कि उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है एक सिंगे की जो नजर आता है, तो क्या था ये चित्रलिपि में इनको बड़े आकार में दिखाने की क्या जरूरत थी? तो उसका एक बरोबर है सही आपका, तो जैसे आजकल कैसे जैसे हमारा भारत का जो रिजर्व बैंक का जो ये कॉइन है तो उसमें देखो एक शेरनी बता रहे हो उसमें या शेर बताते है ना, जैसे अपना नेशनल अपना इंडिया का हमारा भारत का नेशनल जो बर्ड है वो पीकॉक है मोर है, तो उस टाइम में भी ये जो एक सिंगी जो बैला था ना तो उसको वो मतलब प्राइड ऑफ हड़प्पन वो जो सभ्यता है इसलिए उसको एक सिंगी बताते हैं, तो अभी वो विलुप्त हो गया वो नहीं अभी था उस समय में, तो वो राष्ट्रीय चिन्ह था मानक था वो उस समय। दादा मोतीराम कंगाली ने बहुत मेहनत की और यहाँ पे पढ़ा है, तो मैं आपकी नज़र से जब वो हड़प्पा का काल है मोहनजोदारो का काल है उस काल में आपने जब लिपि पढ़ी तो आपको पता है धान्य भंडारी अलग था, सभा प्रमुख अलग था, ये सभी अलग थे, तो कैसी दुनिया थी आपके नज़रों से वहाँ पे, कैसी संरचना हुई होगी, कैसा शहर हुआ होगा, कैसा कल्चर हुआ होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा। मैं आज भी जब ये कंगाली जी ने जो ग्रंथ लिखा है सैनवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन देसी परिंग द इंडस्क्रिप्ट इन गोंडी, तो मुझे नजरों के सामने महानगर दिखाई देते हैं, जैसे आज जैसे वर्तमान में दिल्ली है हमारे भारत हमारी मातृभूमि की जो राजधानी है दिल्ली है, बाद में इधर बंगाल में कलकत्ता है वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, बाद में तुम्हारे अहमदाबाद है
है ना, नागपुर है हमारी विदर्भ की, गोंडी नांग बिडार, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गोंडी नांग विदर्भ जो शब्द आया ना दादा, गोंडी नांग बिडार, गोंडी नांग निकल गया और बिडार बिदर बिदर रह गया, तो ये नागपुर सर का एक महानगर है अभी। तो उस समय भी कल पुर्जे थे वहां पे, कल कारखाने थे, विपणन व्यवस्था थी, व्यापार उद्यम था, और वहां की व्यवस्था थी जो वो मुखोन्मुख व्यवस्था थी दादा, मतलब जैसे आज हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था है चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, मतलब एक दूसरे को वो उत्तरदायित्व थे, मुखोन्मुख व्यवस्था थी, वो महानगर थे और वहां पे सोना चांदी हीरे जवाहर इसके भंडार थे, है ना, मतलब कृषि मार्केट था वहां पर, कृषि मार्केट है, अनाज भंडार था, कृषि मार्केट था, बाद में तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, व्यापार विनियम की व्यवस्था थी वहां पर, महानगर थे वो हड़प्पन काल में, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी मतलब हमारा गोंडी में नाम है मुरवाकोट हरवाकोट, ये मूल उसके नाम है हरवाकोट मुरवाकोट है, जिसको अभी वर्तमान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो कह रहे हैं। पूर्वाकोट भी थे जो पांडी कुपार लिंगो थे ना, वो पूर्वाकोट गनमुडार के राजकुमार थे, उस समय का नाम हरवाकोट और मुरवाकोट तो हाँ, और फिर बाद में ऋग्वेद में भी शायद वो हरेपिया मतलब हरुपिया कोया राष्ट्रिका, कोया बोले तो ये गोंडी है, कोया कोया वंशी कोया, हाँ तो वहाँ ये ऐसा आया है। गोंडी संस्कृति के संदर्भ में आल कोया पारी पानी मुठा कोए आन, मतलब यह कोया सगा यह है अभी, मतलब मैं अभी आपको सील जो है ना आगे वो दिखाऊंगा, उसमें मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। एक सवाल ये भी था कि उस दुनिया में क्या उच्च नीच होता था? नहीं नहीं बिल्कुल उच्च नीच नहीं होता था, ये चलता है कि ये उच्च जाति के हैं, ये नहीं नहीं नहीं, यानी वहाँ पे लोकतंत्र और समानता था, मतलब मेहनत करेगा वो खाएगा, ये खाएगा, मतलब जैसे अभी ये हमारा जैसे अभी व्यवसाय, हाँ। जैसे कुम्हारी की कुम्हार समाज है, कुम्हार समाज है, हाँ। तो ये हड़प्पन में भी मिला है, सोना आरे की है सोनार, हाँ तन्नी टंदे तेली, हाँ तो ये जो व्यवसायिक अपने अपने सब, जैसे कोई कोपाल है ना, केपाल है कोपाल है, मतलब इनका मतलब सब अपने अपने कर्तव्य करते थे वहां पर, हाँ और सम्मान के साथ देखा जाता था, है ना, तो बाहरी धार्मिक मुखिया भी रहता जी, आक्रमण होने के पूर्व, हाँ यहाँ पे कोई भी ऊंच नीच या विषम ऊंच नीच नहीं, एक दूसरे का सम्मान करते थे, बिल्कुल हाँ। और जैसे शंभू माधव ये पंचकंड दलती के राजे थे, तो पांडी पारी को पा लेंगे, ये कोया पुनम के अधिष्ठाता, स्वर व्यंजनों के अधिष्ठाता, कोया पुनम के अधिष्ठाता थे, यानी ये जो सभी कुम्हार जो कोपाल जो हाँ, हाँ जो ये अभी बहुजन समुदाय हाँ इसको फॉलो करते थे, बिल्कुल सब सब हाँ। तो आगे हम जानेंगे हड़प्पा में विस्तार से। तो सलाम है सर, आपने दर्शकों को अगर प्रैक्टिकली बता दिया समझा के तो वो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपने जो जो भी देखा है कंगाली साहब के साथ रहते हुए उसका अगर एक्सप्लेन कर सके तो बहुत अच्छा होगा दर्शकों, अवश्य बहुत ही मुझे ये मतलब खुशी की बात है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन में जो सील मुद्रा प्राप्त हुए तो उस पर ये अंकित चित्रलिपि है, बिल्कुल ठीक है हाँ। तो यहाँ पे ये एक सिंगी बैल भी बताया है, जिसको गोंडी भाषा में कोंदा कहते हैं, ठीक है एक सिंगी, तो इसकी एक खासियत ये है हड़प्पन चित्रलिपि की, एक तो है राइट टू लेफ्ट इसे पढ़ी जाती है, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं, जैसे मतलब हम गोंड समुदाय
प्रकृति के नियमों अनुसार चलता है, जैसे धरती जो है हमारी ग्रह जो है वो राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो मतलब प्रकृति जो दिशा है वो राइट टू लेफ्ट है ना, तो ये राइट टू लेफ्ट पड़ी जाती है। और दूसरी और एक चीज है, यहाँ पे जो प्राणी जो बताया जाता है ना, तो उसका जो हेड है सिर है उस तरफ से ये पड़ी जाती है, ठीक है। अगर एकाध लिपि में इसका डायरेक्शन इसका सर वहां पे होगा तो वो लिपि वहां से पड़ी, वहां से पड़ी जाएगी। अगर वो समझा उसमें प्राणी नहीं है तो उसको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है आपने, प्राणी अगर नहीं है तो राइट टू लेफ्ट ये हमेशा का नियम है। और यहाँ पे प्राणी है तो उसके सिर की तरफ से ये पढ़े जाएंगे। अभी ये जो चिन्ह है ये जो है ये चौको दिखा रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं कोट, कोट बोले तो ग्रामीण, ग्राम विलेज कोट। और यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको कापूस कपास का दिखाई दे रहा है, कॉटन है ना, कोट परातियाल, ठीक है। और ये है जो खड़ी जो लकीर है ईर, ईरता ईरता ईरता, ये है बिल हाटुम, हाटुम यानी बाजार, ठीक है। बिलाटुम बोले तो बाजार, जैसे आज भी गुंडी भाषा में इमा बेके दांतोनी, तो अना बिलाटुम दांतो, यानी मैं बाजार में जा रहा हूँ, ये है बिलाटुम, ठीक है। तो इसको इस तरह पढ़ा जाएगा, मतलब इसका उच्चारण ऐसा है आटुम नहीं मतलब कोट कोट परतियार ईरता बिलाटुम, यानी ग्राम कपास भंडार का बिक्री बाजार, क्या बात है। ये इस तरह यानी ये लिपि ये सूचक कर रही है कि जो ग्रामीण भाग में कपास का भंडार है उसका बिक्री बाजार, बिक्री बाजार है, क्या बात है, क्या बिक्री बाजार। ये शब्द है दादा, ये ये इट्सेल्फ इट इज ए वर्ड, मतलब इसको आप मतलब स्वरव्यंजन नहीं लगा सकते, मतलब ऐसा लिखा है तो इसका इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, पढ़ ही नहीं सकते। तो गुंडी भाषा के मूल रूप ग्राम से, अभी जैसे ये परतियाल है, मतलब ये गुंडी में ईरता ये दूसरे में नहीं मिलेगा आपको, ईरता मतलब ये भंडार है, ये नना ईदु ईद पे निका ईरित होना मैंने रख दिया है, मतलब ये भंडार होगा ना, ये बिल्कुल बिल्कुल ईरता मतलब मतलब भंडार का, तो ईरता बिलाटम, ठीक है। इस तरह ग्राम कपास भंडार का बिक्री बाजार, इस तरह ये कंगाली जी ने। और एक जरा बताइए, थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। हाँ बहुत सारे हैं। हाँ तो अभी ये और एक दूसरा एक पाठ है, ये हड़प्पन में मिले, ये बहुत ही अहम है। यहाँ देखो ये जो है ना, ये इसको कहते सुकालता, मतलब सुकालता पहांदी, और ये जो दिखाई दे रहा है ना फिश साइन टाइप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, मुखा पोयता, और इसमें देखो एक खड़ी लकीर दिखाई दे रही है आपको, देखो बारीक से देखो वो बीच में पोयता, और ये जो है सर्री यानी मार, और ये आन मतलब है, टूबी का रूप, ध्यान से सुनिए बिल्कुल देखिए, टूबी का रूप आन यानी है, ठीक है। सुख कालता मतलब सुखी सुखी जीवन का अपन बोलते हैं ना काल, सुख कालता। और ये दूसरा ये ऐसा एक मैं नीचे बता सकते हैं आप, ये एक काल बोले तो पैर भी होता है, ये देखो ये सुख कालता मतलब सुखी जीवन का पहांदी, ये गुरु मुखिया का यानी प्रेस साइन है, गुरु मुखिया का मार शरीर बोले है, सर्व कल्याणवादी पाली गुरु मुखिया का मार्ग है, बिल्कुल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब सुखी जीवन का मार्ग कैसे मिल सकता है, एक दूसरे की सेवा करके, सेवा भाव से माता पिता की सेवा करके, बिल्कुल गण जीव की सेवा करके। और ये जो मानवाकृति है जी जी जी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये जो है ना, तो ये जो है हमारी लिंगो है, मतलब प्रिस्ट गुरु मुखिया मुठा पोई कहते हैं गुंडी में, लेकिन ये पशुपति नाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसको महादेव जी कर दिया, शंभू शेख, हाँ तो वो ही इज नॉट पशुपति नाथ, ये है कुल चिन्हों के अधिष्ठाता और गुंडी भाषा के निर्माता आल कोया पारी मुठा पोया,
वो हमारे मतलब जो कुल चिन्हों के अधिष्ट आता है ना, जो टोटेम बताए थे ना 750 गोत्र, और उनको हर एक गोत्र को 3 टोटेम आवंटन किए थे, उसकी पारी व्यवस्था देने वाला मतलब सम विषम में विवाह प्रस्तावित होना होता है, ये जो पारी व्यवस्था है मतलब संबंध प्रस्थापित करने वाला ये अधिष्ठाता है लिंग, पर ये पशुपतिनाथ नहीं है। एक पाठ जो है हड़प्पन में सिलों में मिला है वो ऐसा है, ये जब भी आपको बताया था ये कोट है बिल्कुल चौकोर है, कोट बोले तो ग्राम विलेज कोट। अभी यहाँ पे देखो ये धान्य का जो ये क्या बोलते हैं अनाज का जो डंठल होता है ना, देखो ये बिल्कुल है, इसको कहते हैं नेराल। हाँ नेराल मतलब ये अन्न भंडार नेराल बोलते, मतलब ये धान के समान दिखाई दे रहा है। देखो गेहूं का जो डंठल होता है ये वो कोट नेराल, और ये फिर मुठवा कोए यानी गुरु प्रमुख, देखो ये फिश साइन टाइप लगता है ना बिल्कुल। हाँ मुठवा कोए। अभी यहाँ पे देखो उंदी रण मोन नालुंग सयुम सारुंग येरुंग अरुंग नरुंग, मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ यहाँ से शुरुआत है। उंदी रण मोन नालुंग सयुम सारुंग येरुंग अरुंग नरुंग, तो इसके लिए नरुंग के लिए नर शब्द है गुंडी में बिल्कुल। हाँ नर मतलब नौ बोले तो नर, और ये ओमान वो व्यक्ति का नाम है, तो इसका वाचन ऐसा कोट पर कोट निराल मुठा पोए नर ओमान यानी ग्रामीण अन्न भंडारे ग्रमुपुक गुरु प्रमुखों ने नरोमाल, नरोमाल नाम का एक प्रमुख है ना गुरु प्रमुख जिसको मुठा पोए कहते हैं, तो ये जो मतलब ये अन्न धन के गोडाउन का मतलब भंडारी का भंडारी गुरु प्रमुखों ने नरोमाल का बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद और एक मुद्रा है वो भी आता, वो जो एक सिद्धांत है हेड हेड जो रहता है ना उस तरफ से पड़ी जाती है, अगर प्राणी है तो उसकी हेड तो यहाँ देखो ये चौकोर जो है कि नहीं, ये चौकोर इसको गुंडी भाषा में कहते हैं मांदी मतलब बैठक बैठक बैठक। और देखो यहाँ पे उंदी रण मून नारुंग सयुंग सारुंग येरुंग अरुंग नरुंग पद मांदी पदुर, मतलब मांदी पदुर नुरु ये जो है ना नुरु मतलब पिसाई का ये भंडार, ये मतलब जो ग्रामीण इसमें रहता ना उखली रहती ओखली ये देखो, और ये मूसा रहता है उसको गुंडी भाषा में नुरु कहते हैं, मतलब पिसना भी होता है और नुरु का अर्थ होता है प्रमुख भी होता है भाई, नूर बोलते ना क्या नूर है मतलब सौ में एक रहता हो वो नूर बोले तो सौ भी होता है ठीक है। मांदी पदो नुरु निराल जो जब आपको बताया था निराल का अर्थ नार, ये नार मतलब वो ग्राम वो पर्यायवाचक शब्द है, ये जो गोंदोला तो ये जो ये बताया बता रहा है ना आपका ये गोंदोला बोले तो समुदाय होता है यानी वो एरिया ये जो ऐसे ऐसा गोल चक्र जैसा, हाँ ये चक्र है ना इसको गोंदोला, और ये गुंडोलाता समुदाय का इसका वचन ऐसा होगा अंग्रेजी में गोंडी में पहले बताता हूँ आपको मांदी मांदी पदुर नुरु निराल नार गुंडोलाता, मतलब ये विलेज ग्रुप कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट चीफ इज निराल, निराल नाम का एक व्यक्ति है और वो ग्रामीण समुदाय का वो विषय प्रमुख है कॉन्फ्रेंस, वो मतलब मांडी का वो प्रमुख है। तो मैं थोड़ा सा ये भी समझा सकते हैं कि चिन्ह जो अपने आंध तोर जैसे व्यंजन लगाए किस किस काम के लिए उपयोगी होते थे कैसे विशेषण लगाए जाते थे थोड़ा सा आप हमें दिखाइए। तो हड़प्पन चित्र चित्राक्षर जो है पिक्टोग्राफ्स है वो गुंडी भाषा के माध्यम से कैसे पढ़ी गई है वो हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। हाँ तो देखिए जो ये एक पर्ण है पान है पान पान पर्ण ये इसको पर्ण पर्ण या पान को पर्ण या पान को पान को यानी लीफ को कही अंग्रेजी में लीफ लीफ को गुंडी में आ या आकी कहा जाता है।
हिंदी में आय या आकी कहा जाता है, आया आकी आकी कहा जाता है, ठीक है। और ठीक है, हाँ। बाद में ये जो आग, ये जो मानव मानवता रूपी जो चिन्ह है, हाँ। इसको कहा जाता है गुंडी भाषा में आल 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 आल, मतलब ये यह मतलब कार्य और स्थिति दर्शाता है। कार्य जैसे जैसे नेल अधिकार, ये काल और कार्य और स्थिति दर्शाता है, दर्शाता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, आल समझ गया ना, हाँ। कार्य और स्थिति दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो ये हड़प्पन चिन्ह, ये चित्राक्षर मिला है वहां पर, हाँ। सिंधु घाटी के परिक्षेत्र में, हाँ। ठीक है, जैसे हमने बताया ये क्या हो गया, आय बनना या पान को आय कहा जाता है, और ये आल है, ये आल है। फिर इसका अभी कैसा होगा जोड़, ये हो गया आय, ये कैसा होगा फिर, इसको आय कह गया है, आय ये दोनों मिक्स हो गया, आय अधिक आल आल, ये क्या हो गया, आय अधिक आल आयाल, आय अधिक आल आयाल, और आयाल का गुंडी में शब्द विद्यमान है, आयाल बोले तो माँ माँ, आयाल बोले तो माँ मदर आया, ठीक है। तो अब आप ये होगा, ये होगा आल आय अधिक आय आयाल आयाल या अकल यानी माँ। तो आप इसको अभी ये हिंदी भाषा में कर, मतलब हिंदी भाषा में बोलिए इसको, परना मानव कुछ बोती नहीं, बोधी नहीं होता है, इसको लिप, इसको लिप समझो, मान लो इसको लिप और इसको मैन, लिप मैन, लिप मैन मतलब आदमी के ऊपर वह सिर्फ पर्ण है, लिप है, हाँ। तो लिप मैन वही अर्थ बोधी नहीं होता, लेकिन गोंडी भाषा के रूट मार्फेंस मूल धातु देखो, ये पान के लिए आय आ गया और ये आल है कि नहीं, आल जैसे आपको बता दूं नील अधिकाल, बहुत ही सिकंदरी जी ने बहुत ही दिमाग लगाया है और ये हड़प्पन लिपि पर पड़ा है, जैसे नील नील अधिक आल, नील का नील का अर्थ होता है खेत, खेत खेत आल यानी मनुष्य, और मनुष्य यानी कर्मी करने वाला कर्मी, हाँ वो कार्य करने, मतलब खेती कर्मी, खेती कर्मी कौन है भैया, किसान है, किसान है, नीलाल बोले तो गुंडी भाषा में ये खेती का काम करने वाला किसान या काश्तकार। और इसका अगर अपन और इसका चिन्ह कैसे बनेगा, ठीक है, ये नील के लिए ये डंठल है, गेहूं का डंठल, अधिक आल नीलाल, ये बन गया किसान, किसान बन गया, काश्तकार बन गया, तो ये गुंडी में इसका अर्थ निकलता है। तो ये भी पूछना चाहूंगा, हाँ। क्या अंक गणित के अंक भी थे, हाँ गणित के अंक भी है ना, आपको वो भी अभी बता देता हूँ, और एक थोड़ा सा एक पिक्टोग्राफ सा गया, ये माँ का होगा, अभी और एक आपको विश्लेषण कर करके दूंगा यहाँ पर, जो कंगाली जी ने हड़प्पन लिपि में जो पिक्टोग्राफ मिले वो पढ़े हैं, जैसे अभी एक ये आधा पान है, आधा पान, तो आधा पान को या अर्ध, हाँ अर्ध पान को गुंडी में कहा गया है कुचाय, कुचाय कुचाय, जैसे हमारी जो मातृशक्तियां खेतों में कुछ मतलब काम करती है खेतों में, तो भोजन करती है, छाव में पेड़ के तले बैठ जाती है, तो फिर उनके पास ये वो खाने का बीड़ा रहता है, पान रहते, खाने के पान जो रहते हैं ना, तो फिर वो क्या करती है कि औरतें रहती 10-12 पान की वहां कमतरता होती है, तो आधा आधा पान करके, तो वो क्या करती है भाई, आधा आधा पान देती है एक दूसरे को, तो गुंडी में क्या करते हैं, नाकुन कुचाय से, क्या कहती है गुंडी में, नाकुन नाकुन कुचाय से, कुचाय के से, कुचाय
ऊंचाई की सिम, यानी मुझे आधा पान दे, ऊंचाई की सिम भाई तो मुझे आधा पान दे, ठीक है, ये होगा, ये होगा कुचाई, कुचाई, ठीक है, कुचाई। बाद में अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आल है, कार्य और स्थिति बताता है, ये क्या है आल, ठीक है, मानाकृति चिन्ह को आल कहा गया, वो कार्य और स्थिति बताता है और आल का अर्थ राजा भी होता है, प्रमुख भी होता है, राजा होता है आल का, और यह भी होता है, यह आल का यह। वो उस सेंटेंस पे डिपेंड है, आल कोया, हाँ, आल कोया पारी पानी मुठा को आन, यानी यह वो चित्रकृषि में है, सेंद्रीय दीपिका द्वाचन जो मुख्य पृष्ठ है उसमें है, ठीक है, तो ये तीन अर्थ होते हैं, ठीक है। अभी ये कैसा होगा, आधे पान को क्या कहा है, मैंने कहा कुचाय, कुचाय, तो ये क्या होगा, कुचाय, कुचाय प्लस तुम्हारा ये कुचाय प्लस आल, ये क्या होगा, कुचायाल, 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 कुचायाल होगा, तो मतलब कुचायाल बोले तो मौसीमा, कुचाय का अर्थ मौसी माँ, हमारी मौसी मतलब हमारी माँ का आधार रूप, आधार रूप, जिनकी शादी हुई है और जो कैद उनको साली होती है तो क्या बोलते हैं, साली आदि घर वाली, तो ये अभी ये कुचाय का अर्थ होता है, कुचायाल का अर्थ होता है कुचाय अधिकार, कुचायाल बोले तो मौसी, मौसी माँ, राइट, हाँ मौसी, मौसी माँ, ठीक है। तो आप इसको अन्य भाषा में नहीं पढ़ने की कोशिश की, नहीं कोशिश कीजिए ना पढ़ने में, कोशिश में क्या हर्ज है, आधा पान, आधा पान, आधा पान मानो कहीं भी नहीं बैठता, कहीं बैठता क्या नहीं बैठता, आधा पान मानो हाफ लिप मैन, तो उसका सर चकरा जाएगा, पगला हो जाएगा, फिर लेकिन गुंडी की तरफ आएगा वो, तो वो ये कैसी पड़ी है, आधा पान ऊंचाया की कुचायाल, ये है कुचायाल, कुचायाल बोले तो मौसी, ये परफेक्ट होगा, और यह ही सत्य है और ये ही दुनिया को मानना होगा आज नहीं तो कल, और ये हमारी मानसिकता बदलनी होगी, जो सत्य है तो उसको कबूल कीजिए। ये ऐसे 419 चित्राक्षर कंगाली जी ने पढ़े हैं, सेंजीवी लिपि का गुंडी में उदाहरण 419, तो ये ग्रंथ हमारे भारत के लिए नहीं तो विश्व समुदाय को भी मार्गदर्शन करेगा, मतलब ये जो सांस्कृतिक मूल्य है ये विश्व समुदाय ने जानना चाहिए, भारतीय गणों ने जानना चाहिए, गण समुदाय ने जानना चाहिए, भारतीय नागरिकों ने जानना चाहिए, ये सांस्कृतिक जो मूल्य है, कल्चर वैल्यूज है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सुख कालता मुठा पोता सरियान, मतलब सुखी जीवन का मार्ग उसमें बताया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मैं दे सकता हूँ, और एक छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको, जब ये हमने थोड़ा सा पानी भी पिए थे, है ना, अभी ये जैसे उंदी रण मून नालो संयुम सारुम येरो, हाँ, और ये आय, तो गोंडी भाषा में ये जो है इसको येर कहा जाता है, येर तो जो सात येर का, और दूसरा है येरुम, येरुम बोले तो सात, सात की संख्या, और येरुम बोले तो, येर बोले तो पानी भी होता है, येर बोले तो पानी, और ये है आला, 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 ये आला का तो होता है पात्र, कंटेनर जो आकार है, अभी इसको क्या कहेंगे, अभी राइट टू लेफ्ट पढ़ना है हमें इसको, येर आला, येर आला, ये आला बोले तो जल पात्र, ये आला बोले तो जल पात्र, पानी का घड़ा, हाँ जल पात्र या प्याला कहिए, कहिए सीधा सीधा पानी का प्याला जो होता है, गिलास बोलते हैं, ग्लास, ग्लास, गिव में ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ऐसा आकार है, हाँ ये, तो देखो यहाँ पे मतलब हमारे उसमें उस समय में संख्या, संख्या शास्त्र भी था, है ना, मतलब उंदी रण मून नालुम संयुम, और ये हो गया, ये अब अभी आपको संख्या शास्त्र के बारे में भी बताते हैं, ये जो है, ये जो है इसको अक्का भी कहते हैं, जो जो ये बैंगल के समान है, तो इसको अरु कहा है,
हड़प्पन सभ्यता में अरु, अरु का अर्थ होता है आठ, आठ की संख्या, अरु का अर्थ होता है आठ की संख्या, आठ की संख्या, संख्या अरु, इसको अक्का भी कहा गया है, अक्का या अरु, अक्का मतलब वो माता, अक्का अरु, ठीक है। बाद में ये आठवें अरु नरु पदुन पदुन, ये कितने हो गए मालूम है, ये हो गए 11, 11 की संख्या। पदुंद ये क्या हो गया, पदुन, पदुंद, पदुन बोले तो 11, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। तो हमारे हड़प्पन सभ्यता में 8 से 10 हजार रुपये संख्या शास्त्र के था, क्या बोले हमको मान करते पंडित। तो इस तरह 11 महीने भी मिले कहाँ पर, हड़प्पन में, ठीक है। वो भी आपको थोड़ा सा चित बता देते हैं, जैसे हम उंदुमान कहते हैं, उंदुमान ये होगा एक होगा, इसको पढ़ेंगे उंदुमान, उंदुमान ये होगा रंडोमान, रंडोमान ऐसे बढ़ता है, ऐसा रंडो ओमान, ओमान बोले तो ये भला ही ये तुम्हारे गेहूं का डंठल लगता है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ महीना भी होता है, ओमान का अर्थ होता माह, ओमान माह महीना, माह या महीना, मतलब जैसे ये 12 महीने भी वहां मिले हैं, उंदुमान रंडोमान मुंदुमान नालोमान सयोमान सारोमान अरो अरो यरोमान अरोमान नरोमान पदोमान पदुंदीओमान आणि पांडोमान, मतलब पक जाता है, पांडोमान बोले तो 12 महीना पक जाता है, मतलब वो समाप्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये वहां पे अंक शास्त्र भी मिला है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और एक थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक चिन्ह है वह हड़प्पन में मिला है, ये आन का चिन्ह हो गया, आन बोले तो है, और ये गोंदला है, आपको बताया मैं पहले ही बताया है ना, ये गोंदला। और बाद में यहाँ पे ये सीरी का निशानी का चिन्ह है, ये हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा ये आन चिन्ह है बोला, ये इसके ये आन चिन्ह है बोले तो टू बी का रूप, आन मतलब है, टू बी का रूप है, इतना समझ लिया आन। और ये जो है ये है गोंदोला, मतलब समुदाय, गोंदोला गोंदोला का अर्थ होता है समुदाय, समुदाय। और ये जो है ये इसको कहा गया है सिरी सिरकना, क्या कहा है सिरकना, मतलब सिरकना बोले तो दक्षिणी, दक्षिणी 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 या साउथन, साउथन दक्षिणी। तो इसका वाचन कैसा होगा, गोंदोला सिरकना, ये देखो ये सिरकना, इसको इसको गोंडी भाषा में इस चिन्ह को कहा जाता है सिरकना, मतलब दक्षिणी, सिरकना दक्षिणी, ये होगा दक्षिणी। और ये समुदाय है गोंदोला सिरकना आन, ठीक है, मतलब समुदाय दक्षिणी है, मतलब उस परिक्षेत्र में जो जो दक्षिण क्षेत्र है, तो वहां पर ये ऐसा साइन था उस टाइम। क्या बात है, क्या बात है, यानी दक्षिण की तरफ, हाँ दक्षिणी समुदाय, हाँ दक्षिणी समुदाय वहां पे निवास करने वाले, जैसे नहीं थी ना पूर्वोत्तर भारत दक्षिणोत्तर भारत, हाँ उत्तर भारतीय साउथ इंडियन है ना, तो ये है वो गोंदोला सिरकना आ। ये मैं एक वाक्य यहाँ कम्प्लीट कर देता हूँ, मतलब जो हमारे दर्शकगण है उनको समझ में आएगा, गोंदोला सिरकना सिरकना आंद समुदाय, दक्षिणी समुदाय,
पक्षी नहीं समुदाय या दक्षिण समुदाय या दक्षिण समुदाय। तो ये कंगाली जी ने जो पुस्तक बनाया है हड़प्पन चित्राक्षर का पुस्तक, तो वो पुस्तक के आधार से हमने भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया है। बहुत बहुत अच्छी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको ये दिखाया गया है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको बताइए अपने सगाओं में कि ये पढ़ा गया है, और कोई बड़ी मीडिया आके इस बात को उठाए तो फिर इसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। दादा मोतीराम कंगाली साहब ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस पे अध्ययन किया है, और वो आज नहीं है फिर भी यह जो अभ्यास है स्टडी है सलामे साहब अपने साथ लेकर चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे समुदाय के लिए। और ऑल इंडिया में कोई भी इंसान मेरा वीडियो देख रहा है तो सभी को निवेदन है भाई, ये गोंड लोगों के लिए अभिमान की बात नहीं है, तो पूरे भारत के लोगों के लिए अभिमान की बात है, क्योंकि आपको 4,000 से 5,000 साल पहले की सभ्यता मिल पा रही है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटे, और बताएं इन लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता किसकी थी और इसका वाचन कैसे हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। धन्यवाद सलामे साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सलामे साहब, आपने बहुत विश्लेषण से इसको बताया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, या मेरे वीडियो से मैं आपका नंबर इसलिए वायरल करता हूँ कि ये किताब लोगों तक पहुँचे, तो मैं ये आपको कहाँ से मिला, मैं किताब लोगों तक पहुँचाऊँगा, ये जुनून कहाँ से आया आपको? तो ऐसा हुआ राहुल जी कि हमारे जो है डॉक्टर मोतीराम जी कंगाली, इन्होंने करीबन 24 से भी ज़्यादा ग्रंथ गुंडी ग्रंथ लिपिबद्ध किए है ना, और सबसे बड़ी बात बोले तो हड़प्पन सभ्यता में जो उत्खनन हुआ वो परिक्षेत्र में, तो गुंडी भाषा के माध्यम से पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये 2002 में हो गया, पढ़ लिया नागपुर में, इसका विमोचन भी हुआ, ये सैंधवी लिपि का गुंडी मोदवाचन, आज 18 साल हो गए, लेकिन प्रसिद्धि नहीं हो रही पा रही, मतलब हो रही है लेकिन बहुत ही मतलब माइन्यूटली हो रही है, मतलब है ना, सगा समाज में इसको फैलाना चाहिए, सगा समाज ने भी इसका अध्ययन करना चाहिए, और जैसे और अन्य सगा छोड़ के भी जो है समुदाय हमारे के भारत के वासी है, हम भारतीय नागरिक है, इन्होंने भी पढ़ना चाहिए ना, मतलब जैसा गोंड हो के अभी सब, जो मैं गोंडी भाषी हूँ महाराष्ट्र का, तो मेरी मातृभाषा गोंडी होते हुए भी मैं मराठी में पढ़ रहा हूँ, तेलंगाना में रहने वाले या आंध्र प्रदेश में रहने वाले हमारे गोंडी भाषिक है वो तेलुगु सीख रहे हैं, है ना, हर स्टेट में गोंडी को अलग किया जा रहा है। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ के गोंडी भाषिक लोग है वो हिंदी में उनको पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो प्रकाश सालामे का कहना है या हमारा ये ऐसा है, तो अगर गोंड आदमी गोंडी भाषा होते हुए भी अन्य भाषा का वो आत्मसात कर रहा है, गोंडी भाषिक तेलंगाना में तेलुगु भाषा पढ़ रहा है, प्रकाश सालामे महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी में पढ़ रहा है ना, तो अन्य समुदाय गोंडी भाषा क्यों नहीं सीख सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना। गोंडवाना को जानना है तो गोंडी जानना बहुत अनिवार्य है, और ये उदासीनता है ना, ये दूर करनी होगी, बिल्कुल उदासीनता, या फिर कूटनीति है, ये कूटनीति भी यहाँ पे नहीं चलेंगे, जो सत्य है तो उसको आप एक्सेप्ट करो, ये आपको मानसिकता चेंज करनी होगी, गोंडी भाषा सीखनी होगी। हाँ, तो उनका जो साहित्य संपदा है कंगाली जी का, उनको पहुंचाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे उनको सम्मान दिया, यानी उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे वो आपके पास, हाँ, उनके हैं, बाद में जो हमारे प्रकाश सलामे ने उनको पेन मुठवा के कहा है, वेंकटेश जी अतराम जी, हाँ, उनकी भी गोंडी संस्कृति के संदर्भ इस मराठी में है, उनका मराठी में है, तो मुझे आशा है कि आगे चल के उसका अनुवाद होगा हिंदी में, हाँ हिंदी भाषिक, तो उनका ये गुंडी ग्रंथ संपदा, मतलब हमारे गण जीवों की, गणों की संपदा, जो भोजन समुदाय है ना, या फिर जो SC/ST कहलाते हैं, वर्ण में दलित कहलाते हैं, तो इनकी जड़ तुम्हारे को आपको गोंडी में ही मिलेंगी, गोंडी साहित्य में ही मिलेंगी, किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलेंगी। तो लोग बहुत, मैं स्टेजों पे जाता हूँ तो लोग एक सेंटेंस बहुत भारी बोलते हैं, भारत के परंपरा के अनुसार, तो मुझे एक नजर नहीं आता कि भारत की परंपरा है कौन सी,
जो प्राचीन समुदाय है जो कुछ लेके आया है वो उस परंपरा को तो अवॉइड किया जाता है और भारत की परंपरा के नाम से बोला जाता है, तो ये गलत है। तो ऐसे बहुत सारे युवक हैं जिनको लगता है कि हमें कोई सही रास्ता दिखाए, तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके विचार युवकों तक पहुँचे। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप हमारे जो दर्शक है, युवक है वीडियो देखने वाले, उनको क्या बताना चाहेंगे गोंडवाना मूवमेंट के लिए? तो मैं युवा दर्शकों को यही मतलब संदेशा देना चाहूंगा कि जो ये गोंडी ग्रंथ संपदा है तो उनके पुरखों की है, और ये संपदा है ना तो ये कालक्रमण करते हुए सत्य ज्ञान प्रकाश तुम्हारे पुरखों का इस गोंडी ग्रंथ गोंडवाना के गोंडी ग्रंथ में समाहित है, लिपिबद्ध है। हाँ, तो गोंडी ग्रंथ ही आपको सत्य ज्ञान प्रकाश के लिए मार्गदर्शन देंगे, दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो ये गोंडी ग्रंथ जानना बहुत जरूरी है, उसको आत्मसात करना जरूरी है ना। तो जीववादी जीवन मार्ग समझना जरूरी है। बाद में एक मुंजोक जो है ना, वो मुंजोक मंत्र के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मतलब जो युवा लोगों को, जैसे आपने अभी मुझे सवाल किया, हाँ क्या है कि मुंजोक मंत्र क्या है, तो ये बहुत मार्गदर्शन करेगा। तो ये गोंडी में है, उसका मैं थोड़ा सा आपको अनुवाद भी करके दूंगा। तो जीवा पोरो जीवा पिसिंता हिदे निवे आंदु सिरडिता, जीवा पोरो जीवा पिसिंता हिदे निवे आंदु सिरडिता, करो जीवा भिनसे मायता उन हिनो जीवा मुरे मस्यान। मतलब इसका अर्थ ऐसा है, युको सगा दाई दाऊ के जो हमें लया लयोर है, आपको ये कहना चाहूँगा कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, ये प्रकृति का नियम है। और करो जीवा भिनसे मायता यानी जो बलवान है, जो स्वाभिमानी है, वो संघर्ष करते रहता है। बिल्कुल, स्वाभिमानी है और जो बलवान है वो संघर्ष करता रहता है। यानी हिनो जीवा मुरीमासी हंता, यानी जो कमजोर है, जो लाचार है, दूसरे का गुलाम बना हुआ है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो युवा नहीं तो आप दूसरे के गुलाम बन के रहोगे। हाँ, अपनी जो सीय व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, जो सत्य ज्ञान है, हाँ सत्य ज्ञान संपदा है, ग्रंथों में लिपिबद्ध है, उसका आप पालन नहीं करेंगे तो बलवान नहीं होंगे, आप स्वाभिमानी नहीं होंगे। तो ये मतलब, और एक उसमें एक है कि जो करो जीवा है, करो जीवा ये तो आपको बताया, जो बलवान है वो संघर्ष करता है, हिनो जीवा मोरे माचा है। तो और ये कहता है जीवा हुए तुन हिले तावा, जीवा हुए तुन हिले तावा, मतलब जो आपकी जान के लिए खतरनाक है उसको पालन भी मत कीजिए। हाँ, मतलब आपके लिए जो घातक है उसका पालन मत कीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए। मतलब जो अहितकारी तत्व है उसको आपके पास फटकने भी मत दीजिए। हाँ, जीवा सेतुन हिले मतलब महावा, मतलब आपके लिए जो पूरक है, आपको उसको लाभदायक है, उसको समाप्त भी मत करो। बोले लिंगो जो आपके लिए जान देने के तैयार है, आपको सेवा देने के लिए तैयार है, हा? आपका हित चाहते है, उसको समाप्त भी मत करो। ये इतना सुंदर मुंजोक मंत्र है। तो आप युवा जनों कि आप निर्भय रहो, स्वाभिमानी रहो, और आपकी जो पुरखों की सत्य ध्यान जीववादी जीव मतलब एनिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ है, इसको समझो और इसको जानो, और ये गोंडी ग्रंथ ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, ना कोई लीडर आपको मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो आपको गड्ढे में लेके जा सकता है। हाँ, तो बेहतर ये है, ठीक है, वो आपके जो भी होंगे वो आपको सही लगा, वो आपकी परीक्षा में पास हुआ है ना, आपके इंतजाम में पास हुआ, तो उसको फॉलो कीजिए, कोई बात नहीं। मैं राजनीति की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरा काम है गुंडी साहित्य है, हमारे पुरुषों का साहित्य है। कोया पुनियम को आपको जानिए और कोया पुनियम बनेंगे, ऐसे मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सलामे साहब, और सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, दर्शकों देखिए कंगाली साहब तो ज़्यादा दिन और रहते तो बहुत कुछ और खोज पाते, लेकिन क्या हुई कि वो पेनवासी हो गए, और ये जो हड़प्पा की खोज उन्होंने की है बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, जिससे पूरा देश समझ सकेगा
लेकिन बात यह होती है कि गोंडी अनोखी कल्चर का था, बाकी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती, और इसलिए इसकी जो विचारधारा है प्रसार माध्यम है बहुत कम है। तो सभी को एक निवेदन है कि हड़प्पन मोहनजोदारो चित्रलिपि को पढ़ा गया है और इसी को हमें सबके सामने लाना है, क्योंकि ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे गोंडियन कल्चर भी मौजूद था। तो मोतीराम कंगाली दादा के यहाँ पे ग्रंथ पड़े हैं, आप भी इस ग्रंथ को ले सकते हो। नीचे नंबर दिया गया है, नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, जो किताब चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कुरियर के द्वारा आपके घर तक भेजा जाएगा, जो मैं हमेशा नंबर प्रोवाइड करता हूँ, तो वो आपके घर तक आ जाएगा। तो सभी को निवेदन है, यह वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों में शेयर इसलिए करो क्योंकि ये विचारधारा विज्ञानवाद वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो, मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय हिंद।